rewind question. Ah, sure. Eat, play, love question. Huh? Only. Okay. For your answer, anything. आयुष्मान वेरी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस आई हैव सीन वेरी लॉन्ग मतलब आपने एकदम स्टेज पे आग लगा दी आज तो एकदम थैंक्स यार मुझे एक्चुअली फिल्मों में सटल परफॉर्मेंसेस मिलती है तो अगर मौका मिले एनर्जेटिक परफॉर्मेंस कर सकता हूं मतलब लोग कम है और ज्यादा चेयरिंग मिल रही थी आई थिंक ये फेस्टिवल का एक वही ऐसा था जॉनर ऐसा था जहां पर फूड भी साथ में है स्टॉल साथ में है गाने भी साथ चल रहे हैं सो आई थिंक इट वाज एक्सपेक्टेड लाइक दैट सो आई थिंक वो लोग शॉप करते करते गाना गाते गाते इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट इन फैक्ट सो आई थिंक you are more excited. I've seen the lots of tweeted of this event. आपने बहुत tweet किया है. In fact, जब भी मैं कोई भी event होता है, बहुत tweet करता हूँ social media पे, बहुत active हूँ मैं. In fact, I was one of the earlier ones from television or film industry to join Twitter. In fact, so I'm very active. आयुष्मान आपने बड़े शहर में perform किया, छोटे शहर में perform किया होगा आपने. बहुत. अभी मतलब कि एक सवाल ऐसे थोड़ा सा important है. Subsidy का सवाल है. Film subsidy जो होती है. झारखंड गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया 2 करोड़ का फिल्म मेकर्स को कि छोटी जगह में फिल्म बनाएं या कोई भी इवेंट करें तो ये कितना मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि जितना रूटेड हमारी फिल्में होती हैं उतनी ज़्यादा अच्छा करती हैं इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा करती हैं चाहे वो दम लगा के यश है मसान है वो सब छोटे शहरों की कहानियाँ हैं सो आई थिंक सब्सिडी अगर मिलेगी और जितने भी प्योरेस्ट डायरेक्टर्स हैं उनको आई थिंक बहुत फ़ायदा होगा इससे अच्छा ओके कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच झारखंड गवर्नमेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस सब्सिडी फॉर द इंडियन फिल्म It's a government thing, yeah. You don't need to. No, you don't need to be doing it in Maharashtra. So So what is your thought about Eat, Play and Love? I think Eat, Play and Love is a very unique concept. It's the amalgamation of food and music together. And I think these are the two entities which you really enjoy. खाने और गाने के बिना हम रह नहीं सकते सो आई गेस दिस शुड हैपन अक्रॉस द नेशन नॉट जस्ट इन बॉम्बे एंड बिग सिटीज इट शुड हैपन इन स्मॉलर सिटीज एज वेल और मुझे लगता है बहुत ही हिट कॉन्सेप्ट है एंड आई आल्सो सीन द लव यू आर वेरी एक्साइटेड विद योर टू मूवीज आर कमिंग मेरी प्यारी विंदु एंड बरेली की बर्फी बरेली की बर्फी आल्सो सो व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ द प्रमोटिंग द मूवी क्या सोचा है अभी आगे ऐसा हाँ मेरी 2 फिल्में इस साल आ रही हैं 2017 में One is Meri Pyari Bindu, which is releasing on 21st of May. 12th of May. 21st and 40. June and July. July 21st, May and July. Bareilly and 12th May is. I'll take it again. हाँ, मेरी 2 फिल्में आ रही हैं इस साल. Bareilly की बर्फी and Meri Pyari Bindu. Meri Pyari Bindu 12th of May में आएगी परिणीति के साथ और 21st July को कृति सैनन के साथ Bareilly की बर्फी आएगी. So how was your experience to working with 2 Bollywood extras at difference in the? How's your experience been at EPL? Wait. Let him answer, guys. Please. Okay, हाँ. I think both. Okay, fine. Fine. Yes. Both, I think it's kind of a reinvention for both the actresses. Parineeti Chopra is bar bahut hi naye avatar mein nazar aayengi meri pyari bindu mein glamorous avatar mein nazar aayengi aur Kriti Sanon jo hai pehli bar adhi role mein nazar aayengi unhone ab tak bahut hi urban roles kiye hain so I think both of them are reinventing themselves in these films so is any thinking to promote your movie in Kapil show jab wo release hogi usse 2-3 hafte pehle aa jayenge okay thank you so much doctor thank you so much